देखिए कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी से हार का डर इस कदर सताने लगा है कि सपने में, दिन में, रात में भी लाल टोपी दिखाई दे रही है। और मजे की बात यह है कि लाल टोपी की बुराई करते करते प्रभु राम और हनुमान पे भी उंगली उठा देते हैं। सोचो आप, इनको शायद पता नहीं है कि लाल क्रांति का प्रतीक होता है। और अगर इन्होंने संकट मोचन हनुमान जी का अष्टक पढ़ा होता तो उसकी लाल दो लाइन में बता देता हूँ। लाल दे लाल जी से अपनी लाल टोपी को जोड़ रहे हैं जी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे मंगल के दिन संकट मोचक हनुमान जी से अपनी लाल टोपी को जोड़ रहे हैं। मेरा लेकिन आपकी लाल टोपी को ये गुंडागर्दी से जोड़ते हैं। आपकी लाल टोपी को ये गुंडागर्दी से जोड़ते हैं, उस पर बोलिए। आप क्यों परेशान, आप मुझसे लड़ने आए हो या? हाँ तो बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो हनुमान जी थे वो पूरा लाल रंग का शरीर, उनका लाल शरीर, सिंदूर पूरा लगाए हुए बदन में, लाल लटाक, उनकी इस तरह की तारीफ थी। इसके मतलब आप उनका अपमान कर रहे हो? ठीक है, ओके, सब पता, जवाब दे दीजिए आप भी छोटा सा। लाल की बात हो रही है ना, लाल टोपी की बात हो रही है ना। अगर ये शांत हो जाएं तो मैं भी तो कुछ बताऊं। थैंक यू। देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं बताओ, थोड़ा सा और समय बताओ। ये अमीश भाई, ये इस प्रकार के, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। तभी सुनाओ ना, मैंने जोड़ा लाल दे लाल भाई, थोड़ा गुंडागर्दी यहां को बंद कर दीजिए। लाल जी, अब आपने बोला, अब आप करेंगे। देखिए जरा ये लाल टोपी वालों का व्यवहार देखिए जरा, ये किस प्रकार से हो रहे हैं बताइए। ये तभी तो मोदी जी ने सही कहा है, लाल टोपी खतरे का निशानी होता है। डिबेट को भी खतरे की घड़ी में डालने वाले हैं, डिबेट भी नहीं हो पाएगा। अमीश भाई, मुझे तो अच्छा लगता है, कई बार खुशी होती है। लाल रंग पे इन्होंने अभी बखान किया, अच्छा ही कहा। उन्होंने कहा हनुमान जी लाल रंग के हैं, कपिसूर जो है वो लाल रंग के हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कल से ये हरा कुर्ता छोड़ करके लाल कुर्ता पहन के आए। किसने रोका है? हमने तो रोका नहीं है लाल कुर्ता पहनने से। ये हरा ही क्यों पहनते हैं? आपने कभी भी 2014 से पहले, 2019 से पहले देखा था कि ये लोग, जो लोग सेक्युलरिज्म के इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, कभी हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम, हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र ये याद करके आते थे? बिल्कुल नहीं। मौका मिलते ही जालीदार टोपी पहन करके नमाज पढ़ने बैठ जाते थे, स्टूडियो के अंदर भी नमाज पढ़ते थे, इफ्तार की पार्टी, इफ्तार नहीं होते हुए भी इफ्तार की पार्टी मना लेते थे। आज ये लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं, एक मंत्र रोज पढ़ के आ रहे हैं। यही मोदी जी और योगी जी का कमाल है, इस बात को याद रखना।